संसद में जो सांसद खाना खाते हैं उनको उसके पैसे देने पड़ते हैं, उसी तर्ज पर हरियाणा विधानसभा में शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं सीएम साहब मौजूद है, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद है, यहाँ पर थाली सब खा रहे हैं और एक थाली के 100 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सीएम साहब के साथ साथ कृषि मंत्री समेत जो दूसरे विधायक हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। एक नई शुरुआत की यहाँ पर की गई है स्पीकर साहब की तरफ से। ये शुरुआत पहले संसद में होती थी, उसी तर्ज पर अब हरियाणा विधानसभा में अब जो भी माननीय खाना खाएगा उनको पैसे देने पड़ेंगे। सीएम साहब, एक नई शुरुआत हुई है, 100 रुपये की थाली आप लोग यहाँ पर खा रहे हैं। देखिए ये एक सिस्टम, वैसे तो हमने लोकसभा की नकल की है, लोकसभा में ऐसे ही होता है 11 से 6 बजे तक सेशन होता है, बीच में 1 घंटा लंच आवर होता है, तो वहाँ की जितनी कैंटीन हैं वहाँ सब लोग अपना अपना हिसाब से खाना खाते हैं जिनको वहाँ जाके खाना है। हमने भी उसी पैटर्न पर अभी आज तक के यहाँ कमेटी रूम में किया है, आगे इसकी व्यवस्था कैंटीन के जिम्मे लगाई जाएगी, वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे और ये लगातार चलने वाली है, न केवल सेशन में बल्कि आगे पीछे भी इस व्यवस्था को जारी रखेंगे ताकि जो विधायक कमेटीज़ की मीटिंग में आते हैं उनको भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, और विधायकों को ही नहीं बल्कि ये सुविधा और भी जो यहाँ कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनके लिए भी रहेगी। कंसेशनल रेट 100 रुपया इस थाली के हिसाब से रखा गया। संसद की तरफ पर शुरुआत की गई है, कहना कि एक अच्छा संदेश है जो माननीय लंच करेंगे सेशन के दौरान या वैसे भी वो भी अपने पैसे देंगे उसके अनुरूप फिर वो लंच करेंगे, एक अच्छा संदेश है और जो एक परंपरा शुरू की गई अच्छी परंपरा। देखिए कभी भी कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो रहता है, आखिर सभी विधायक हों या अन्य लोग हों उनको भोजन के लिए 100 रुपया देना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर हम लगातार रोज़ाना फ्री करते हैं तो भी कोई अच्छी परंपरा नहीं है, इसलिए रेगुलर व्यवस्था उनकी कंट्रीब्यूटरी व्यवस्था है, 100 रुपये थाली में खाएंगे, एक अच्छा संदेश जाएगा। डिजिटल विधानसभा की शुरुआत हो गई, बड़ी सौगात है सर ये भी प्रदेश के लिए। हमारी देशभर में ये 3री विधानसभा है जिसने कंप्लीट एक प्रकार का डिजिटलाइजेशन करके और ई विधान का ये कार्यक्रम चलाया है, और भी विधानसभाएं लाइन में हैं लेकिन इसका अच्छा संदेश गया है। सीएम साहब के साथ तमाम मंत्री मौजूद है, विधायक मौजूद है, डॉक्टर बनवारीलाल कैबिनेट मंत्री मौजूद है। सर इस परंपरा की जो शुरुआत की गई है 100 रुपये देने होंगे थाली के फिर खाना खाएंगे, कैसी परंपरा है? ये बहुत अच्छी परंपरा माननीय अध्यक्ष जी ने शुरू की है और एक साथ बैठ कर खाने खाने का मजा ही अलग है। मुख्यमंत्री जी भी और हमारे अध्यक्ष जी भी साथ बैठे हैं और सभी विधायक और मंत्री भी साथ खाने खा रहे हैं, तो एक अच्छी परंपरा है और ये आगे भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आगे भी इसको चालू रखें, बहुत अच्छी। विधायक मंत्री यहाँ पर मौजूद है और भी लगातार तस्वीरें देखिए, जो लक्ष्मण यादव साहब मौजूद है। सर अब 100 रुपये की थाली मिलेगी, कितना बोझ पड़ेगा विधायकों के ऊपर? नहीं देखिए ये एक नई व्यवस्था आदरणीय स्पीकर साहब ने चलाई है आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है, ताकि कई बार ये होता था कि लंबा सेशन चल जाए तो बीच में भोजन नहीं मिलता था, लेकिन ये व्यवस्था अच्छी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला विधायकों के पास खास तौर से जाएंगे, तमाम महिला विधायक यहाँ पे मौजूद है, नैना चौटाला जी मौजूद है, इसके अलावा गन्नौर से विधायक, तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है। मैम नई परंपरा की शुरुआत हुई, आप खाना तो नहीं खा रहे लस्सी पी रहे हैं, जो ये थाली सिस्टम शुरू हुआ मान्यों के लिए 100 रुपये दो थाली लीजिए, कैसी परंपरा है ये? बहुत अच्छी है, मैं तो स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक नई पहल जो स्टार्ट की, लोकसभा में सुना था हमने, लोकसभा देखी तो नहीं पर विधानसभा में हर मान्य मतलब विधायक के लिए बहुत अच्छा और सुविधाजनक है कि बार बार घर नहीं जाना पड़ता, यही भोजन करने की एक अच्छी व्यवस्था है। मैम आप कैसे देखते हैं शुरुआत को जो हरियाणा विधानसभा में की गई है लोकसभा की तरफ? बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत ही अच्छा खाना है, बिल्कुल खाने का स्वाद आप भी खा के देखिए, घर जैसा स्वाद है, आप भी इस खाने को खा के देखिए। ये तो अध्यक्ष जी की ना बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसी पहल की है, लोकसभा में भी ऐसा ही सुना था हम लोगों ने। बिल्कुल नारायणगढ़ से भी विधायक, उनसे भी जानेंगे। मैम जो भी 100 रुपये की थाली आप लोगों के लिए रहेगी, आप कैसे देखते हैं? संसद में तो होती है थाली, पहले संसद में सुना था कि इस तरह होता है, लेकिन मैं स्पीकर सर का इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है और बहुत अच्छा है कि बीच में जाना नहीं पड़ता घर, और सिंपल खाना है, अच्छा खाना है, इसके लिए स्पीकर का मैं धन्यवाद।
तमाम विधायक कहीं ना कहीं इस परंपरा की तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं। सीएम साहब ने सबसे पहले हमसे बातचीत की, तमाम मंत्री यहाँ पे मौजूद है, तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है। और खास बात यह है कि जो भी विधायक यहाँ पर लंच करने आएगा, सबसे पहले वो 100 रुपये के यहाँ पर टोकन लेंगे या पर्ची कटवाएंगे। 100 रुपये का टोकन लेने के बाद तमाम विधायक यहाँ पर फिर लंच करेंगे। रेणु बाला विधायक भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, सदन में आज आप काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये जो लंच टाइम हो गया, जो ये नई परंपरा शुरू की गई स्पीकर साहब ने, इस परंपरा को आप कैसे देखिए? ये परंपरा जो अध्यक्ष जी ने चलाई है बहुत अच्छी है, और जो लोकसभा की तर्ज पे, जैसा कि लोकसभा में खाना मिलता है, ऐसी विधानसभा की में भी उन्होंने ये परंपरा शुरू की है। जैसे विधायकों को लंच टाइम में घर जाना पड़ता था या बाहर जाना पड़ता था, वो ऐसा नहीं होगा, यही विधानसभा के अंदर ही ये भोजन सभी लोगों को मिलेगा। इसकी शुरुआत की तमाम विधायक तारीफ कर रहे हैं। नीरज शर्मा साहब भी मौजूद है, नीरज शर्मा से जरूर जाएंगे। नीरज जी, आप वैसे हमेशा गर्म रहते हैं, लेकिन जो ये परंपरा शुरुआत की है स्पीकर साहब, जो नई नई परंपरा लेके आ रही है, विपक्ष भी इन परंपराओं को कैसे देख? नहीं देखो, स्पीकर साहब ने खाली ये भोजन की नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी करी हैं जिसमें पक्ष विपक्ष नहीं देखते, और ये स्पीकर साहब की पीठ सुन रही है। हालांकि आज क्वेश्चन आवर्स को लेके उन्हीं के दल के कुछ सदस्य ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हमारा नहीं आया। मैंने कहा नहीं, आपने भैया टाइमली क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे, क्योंकि कई सदस्यों के डबल लगे हैं। इसका मतलब जब सबकी एक एक पर्ची निकल गई तो ही लगी है। जैसे आज 0 ओवर था, उसके अंदर भी जिसने डब्बे में पर्ची डाली है उसका नंबर आएगा। अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छे काम हम विधायकों के हित में करें, चाहे झंडे की प्रथा हो, चाहे 0 ओवर हो, और अब ये भोजन की कर दी है, तो भाई हम जैसों के लिए तो बहुत बढ़िया। हमारा घर परिवार तो है नहीं यहाँ, कम से कम ब्रेड और तले पले की जगह अपना सादा भोजन मिल जाएगा, हम बहुत सराहना करते हैं। विधायक यहाँ पर तारीफ करते नजर आ रहे हैं, प्रमोद वीर साहब हैं, सुधा साहब हैं। आपने लंच कर लिया, लंच कैसा था और ये परंपरा कैसी है? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय को और मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहूँगा नई व्यवस्था के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है और बहुत इकोनॉमिकल भी है, और साथ में एक मौका मिलता है सबके साथ बैठ के बातचीत करने का भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा लग रहा है सबसे। तमाम विधायक कहीं ना कहीं इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, और बारी बारी से सभी यहाँ पर लंच कर रहे हैं। एक नई परंपरा की शुरुआत की है, डिप्टी स्पीकर साहब उनसे बातचीत करेंगी। एक एक करके नई नई परंपराएं शुरू हरियाणा विधानसभा में हो रही है। ये संसद की तरफ पर जो थाली प्रथा शुरू हुई, इसे आप कैसे देखते हैं डिप्टी स्पीकर साहब? देखिए, एक अच्छी बात है, क्योंकि जो सेशन का टाइम है वो अभी 11 से लेकर के शाम तक 6 बजे तक रहेगा, तो 1 घंटे का जो बीच में लंच ब्रेक है, जिससे जो सदस्य है वो अपना खाना है उसको यहीं मिल सके, और जो थाली का रेट जो फिक्स कर दिया है सबके लिए, तो एक अच्छी परंपरा है। खाना अभी तो आपने खाया नहीं है, लेकिन जो दूसरी परंपरा है, समय की भी परंपरा है, उन्हें आप कैसे? नहीं तो सारी एक पार्लियामेंट के तर्ज के ऊपर ही जो है वो कर दी गई है, ताकि 11 बजे आराम से आ सकते हैं, और दिन के अंदर भी जैसे बताया कि लंच वगैरह की व्यवस्था हम कर दी गई है। हरियाणा जो विधानसभा नई नई परंपराओं की गवाह बन रही है, स्पीकर साहब की तरफ से कुछ ना कुछ परंपराएं रोजाना शुरू की जाती है। जो भी विधायक आएगा, सबसे पहले वो अपने हाथ से कहीं ना कहीं खाना उनको सर्व करना होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं खाना सर्व करते रहेंगे विधायक, अपना खाना खुद विधायकों को लेना होगा। 100 रुपये की पर्ची तमाम विधायकों को कटवानी होगी। आप देख सकते हैं तमाम विधायक यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। निर्दलीय विधायक है राकेश दौलताबाद साहब मौजूद है, नांदल साहब मौजूद है, जो विधानसभा का जो कामकाज देखते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो ये नई परंपरा है नांदल साहब, जो कैसी आप परंपरा देख रहे हैं? तमाम विधायक तो तारीफ कर ही रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, पार्लियामेंट के पैटर्न पर स्पीकर साहब के आदेश से शुरू हुआ है, और इसमें 100 रुपये बहुत ही, ये आप खाना देख सकते हो, पनीर भी है, छोले भी हैं, मिक्स वेज भी है, राइस भी है, मेनू भी लंबा चौड़ा है, मतलब सब्सिडाइज रेट पर है, और इसमें किसी पर बोझ भी नहीं पड़ता और खाना भी अच्छा मिलता है। दौलताबाद साहब से भी बात करेंगे। राकेश भाई, जो परंपरा शुरू की है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये बहुत अच्छा है कि भाई सब एक जगह पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं, और नॉमिनल से चार्जेज हैं और पौष्टिक आहार है। तमाम विधायक कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जो परंपरा की शुरुआत की गई है। सीएम साहब ने भी लंच कर लिया है, जो तमाम विधायक है लंच कर रहे हैं। इसके अलावा जो पृथ्वीराज विधायक है, राव साहब, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। क्या कुछ आप ले रहे हैं थाली में? 100 रुपये दे दिए? देखिए, निश्चित तौर पर 100 रुपये दे दिए। हाँ, 100 रुपये की पर्ची कटा ली, और अब जो भी यहाँ पर भोजन है वो हम लेंगे, ग्रहण करेंगे उसको।
पूरा कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं मैम, कितनी पर्चियां अभी तक विधायकों ने कटवाई है कुल? जी कितनी पर्चियां कटवाई विधायकों ने? 100-100 लाइन में लगे आज की तो हमने काउंट नहीं किया है, तो अभी चल रहा है, तो कल पहला दिन था, ज़्यादा पता नहीं था, तो इसलिए लगे थाली ले रहे हैं, 100 रुपये की पर्ची कटवा रहे हैं। और आप तो सांसद ही रहे हैं दुष्यंत जी, अब हरियाणा विधानसभा में सांसद की तर्ज पर जो शुरुआत की गई, आप कैसे देखते हैं? आपने तो संसद में भी ये थालियां खाई है संसद कैंटीन की। नहीं, अच्छी चीज़ है, आप ट्राई कर रहे हैं, अच्छा है, टाइम बाउंड उसके अंदर आपको खाना मिल जाता है और एक ब्रेक की यूटिलाइजेशन हो जाती है। आप तो सांसद भी रहे हैं, आप उस कैंटीन में भी काफ़ी बैठे, आपने खाना तो खाने दो। देखिए डिप्टी सीएम साहब खुद सांसद रह चुके हैं, वो भी लाइन में यहाँ पर लगे हुए, उनकी तरफ से भी खाना खाया जा रहा है। ईश्वर सिंह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ईश्वर सिंह जी, आप तो सांसद रहे हैं, 6 साल रहे हैं, वहाँ पर भी खाना आपने खाया, अब यहाँ पर वो एक रिवाज परंपरा शुरू की है, कैसे देखते हैं? अच्छी परंपरा है और एक नई चीज़ है, सबके लिए है। बाकी पार्लियामेंट थी, ये विधानसभा है, अंतर तो है ही। जो 6 साल का आपको अनुभव है उसको लेके भी यहाँ पे कुछ सुझाव देंगे कि जो वहाँ पे जो परंपरा शुरू हो रही थी वो अब हरियाणा में परंपरा शुरू हो रही है। खाने का तो क्या, अभी तो आज आए पहली बार, क्या खाना है क्या नहीं है अभी तो क्या जो है ना इसके ऊपर, बाकी परंपरा ठीक है। देखिए जो तमाम विधायक है जो यहाँ पे बारी बारी से लंच कर रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब ने भी थाली ली है, नैना चौटाला भी यहाँ पे मौजूद है, और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम नैना चौटाला के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो भी विधायक है तारीफ कर रहे हैं इस परंपरा की। सुधा साहब आइसक्रीम खा रहे हैं, सुधा साहब ये परंपरा कैसे देखते हैं आप जो हरियाणा विधानसभा में शुरू हो रही है? देखिए बहुत बड़ी पहल है, पहले संसद में होता था, पहली बार विधानसभा में हुआ है। हम अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी, पक्ष, सत्ता पक्ष सारे मिलकर बड़े प्यार पूर्ण अच्छा भोजन, सिंपल भोजन जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, इससे टाइम की भी बचत होती है और हमें एक समय मिलता है उस आराम से हम खाना खा रहे हैं। तमाम विधायकों की तरफ से तारीफ की गई है, डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं अपनी माँ के पास बैठ के, नैना चौटाला जो विधायक उनके साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, सीएम साहब लंच कर चुके हैं, स्पीकर साहब लंच कर चुके हैं, कहीं ना कहीं तमाम विधायक यहाँ पर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। निर्मल चौधरी जो गुन्नौर विधायक है वो भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है, कहीं ना कहीं जो नई परंपरा शुरू की गई तमाम विधायकों की तरफ से, खुद सीएम साहब की तरफ से इसकी शुरुआत की गई और सभी के सभी इसकी तारीफ यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।